ढेर सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, और अच्छी बात है कि पॉजिटिव चीजें फिल्म से रिलेटेड होनी चाहिए, लोगों को पसंद आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यू क्रॉस हो रहे हैं। फिल्म में आपने तापसी पन्नू जी के साथ में आप दूसरे सेकंड टाइम जी हैट्रिक चांस है हमारी जी। हाँ। हम तो चाहते हैं कि हैट्रिक या डबल हैट्रिक हो। तापसी जी बहुत अच्छा काम कर रही है, और सिर्फ सूरमा में ही नहीं, पिंक से ये दौर चला आ रहा है, और पिंक से तापसी और मुझे दोनों को एक बढ़ावा मिला। हमारे जो किरदार थे मीनल और राजवीर, काफी लोगों ने सराहे, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सुचिंदा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड मिस्टर बच्चन एंड रोनी लहरिया प्रोड्यूसर। सो वहाँ से हमारी एक्चुअली शुरुआत वहाँ से हुई है। तापसी जी वहाँ से जाके चुड़ो में काम करके आए, हमें मौका टाइगर जिंदा है में मिला, तो वहाँ से अब सूरमा में वापस से जुड़े। तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही है तापसी। इसके बाद भी एक मूल कर रही है, एक मनमर्जी की पिक्चर है, वो भी इसी साल आ जानी चाहिए। तो उनका ग्राफ बहुत अच्छा है, शी इज एन इमर्जिंग स्टार ऑफ आर इंडस्ट्री, एंड सो इज दिलजीत दोसांझ। वो पंजाबी फिल्म केवल स्टार है, और उनके गाने थे, जो गानों की जो तादाद है वो तो वर्ल्ड में छाई हुई है। शोज करते हैं, स्टेज शोज करते हैं, अभी इंग्लैंड में करके आए, लीड्स में, लंदन में, बर्मिंगम में, सारे हाउसफुल शो गए रमज़ान के महीने में, बहुत बड़ी बात होती है। तो जो ओवरसीज ऑडियंस जो दिलजीत लाते हैं वो तो देखेगी ये पिक्चर। हम चाहते हैं कि जो हमारी हिंदुस्तान की जो जनता है वो इस पिक्चर से कनेक्ट हो, क्योंकि जो ये यूथ की पिक्चर है, ये हर उस इंसान की स्ट्रगल है। गोली लगना एक अलग बात है, लेकिन हर जो इंसान जो अपनी स्ट्रगल देखता है या करता है, संघर्ष करता है, अप्स एंड डाउन स्पोर्ट में जो होते हैं वो लाइफ से कंपेयर हुए जाते हैं। तो यस, ये हमारी जो बिलियन जो तादाद है, जो आवाम है हिंदुस्तान की, उसमें से बहुत ही कम लोग चुने जाते हैं। शायद 11 प्लेयर हॉकी खेलते हैं या 11 प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं हिंदुस्तान के लिए, लेकिन वो 11 इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप में इतना ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो उनकी कमियाँ होती हैं वो कमियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करते हैं। वो एक भूख होती है, दैट स्ट्राइव टू डू वेल, दैट फायर इन द बेली जैसे वो कहते हैं। तो आई फील दैट जो भी ये फिल्म देखने आएंगे वो अपने आप को संदीप सिंह में पाएंगे, वो अपने आप को विक्रमजीत सिंह में पाएंगे, वो अपने आप को उनकी फैमिली में, उनकी माता, उनके पिता, उनके भाई बहन जो भी हैं, उनकी जो पर्सनल स्ट्रगल रही है लोगों की, वो इस फिल्म में देखने को मिलेगी। साथ में गाने भी अच्छे हैं, इंस्पिरेशनल है। सूरमा का टाइटल एंथम जो है बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल गाना है, गुड मैन द लालटेन बहुत ही अच्छा निकल गया। डांस नंबर है, एक छोटे गाँव की कहानी है, और हम जब उस जो गाँव में जो इनोसेंस है, तो उस मिट्टी की खुशबू है वो उस पिक्चर में। जी चलिए, जाते जाते 13 जुलाई को फिल्म आ रही है, क्योंकि आपने अब आप बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं, जब बड़े लेवल पर फिल्में आती हैं, जैसे जैसे डेट नजदीक आती है कुछ नर्वसनेस होती है जी, हमेशा होती है सर। दो जगह नर्वसनेस हमेशा होती है, एक कि आप कोई भी नवा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, चाहे पहली दफा कोई भी फिल्म सेट पे जाते हैं, नवे फिल्म सेट पे जाते हैं, नर्वसनेस, बटरफ्लाइज इन द स्टमक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट, इवन फॉर मोर सो फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, बिकॉज दे ओनली गेट द बेटर आउट ऑफ इट। थोड़ी नर्वसनेस जरूरी है, अगर आपको नर्वसनेस नहीं रहेगी ना तो आप परफॉर्मेंस शायद नहीं वो कर पाओगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी क्लूड इन, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी फोकस, इट्स इंपॉर्टेंट टू शट योरसेल्फ फ्रॉम द होल वर्ल्ड एंड जस्ट फोकस ऑन योर, ट्राई एंड बिकम वन विद द गेम, ओनली देन द गेम और एज एन आर्टिस्ट म्यूजिक विल बिकम वन विद यू, और एज एन एक्टर माई मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई क्राफ्ट विल बिकम वन विद मी, दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी नर्वस बट आई एम इक्वली एक्साइटेड। We have put a lot of sweat and blood in this film, all three of us, not just us, Satish ji, Vijay Raj sir, Shahad himself, the whole team, Eka from costume, you know, the production team of Sony, whether it's our producers, Neha Rajani, Chitrangada, Pranjal, or for that matter, Deepak. So everybody has come together, has tried to put their best foot forward. So we want to say that बस 13 जुलाई, ज्यादा दिन 9 दिन रह गए, शायद उसके बाद हफ्ता, टाइम विल फ्लाई। आई जस्ट फील दैट इट्स इम्पोर्टेंट दैट पीपल जस्ट कम एंड सी दिस, बाकी उनकी राय है व्हाट दे थिंक ऑफ इट, बट आई रियली वांट कि एक बारी थिएटर में आके पिक्चर्स होती है।